कहा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस से जो सकते हैं वहाँ ऊपर जहाँ जो हमारी दबी है वो सबकॉन्शियस में प्रकट वो होती है जो सबकॉन्शियस में है और जो हम कॉन्शियस से करते हैं वो नहीं होती। प्रकट वो भी होती हैं जो दबी हुई हैं, पर वो कोई और रूप लेकर के प्रकट होती हैं। इच्छाएं चैतन्य मन में भी हैं और अर्धचेतन में भी हैं, प्रकट दोनों होती हैं जो कॉन्शियस मन में हैं, चैतन्य मन में। वो अपने को छद्म नाम नहीं देती। उदाहरण के लिए अगर यहाँ इच्छा है ऊपर ऊपर चैतन्य मन में कि आपको मिठाई खानी है, तो आपको अपने आप को ये झूठ नहीं बोलना पड़ेगा कि आप तो हलवाई को प्रणाम करने जा रहे हो। फिर आपको ये स्वांग नहीं करना पड़ेगा कि हम तो हलवाई से गले मिलने गए थे, वो तो धोखे से एक मिठाई मुंह में आ गई। आप सीधे सीधे मान लोगे कि मिठाई खानी थी इसलिए दुकान पर गए, मिठाई ली और खा ली। क्योंकि मिठाई खाने को हमारी शिक्षा ने, हमारे मूल्यों ने, हमारी नैतिकता ने कभी भी बुरा नहीं ठहराया है। तो मिठाई खा रहे हो तो चलो ठीक है, तो आप मिठाई को मिठाई का नाम दे सकते हो। दूसरी ओर आपका कोई दोस्त है, उसने आपसे उधार लिया हुआ है, आपको उससे पैसे वापस चाहिए, लेकिन साथ ही साथ दोस्त बड़ा जिगरी है। अब ये स्वीकारने में मुश्किल आएगी कि आप जब भी दोस्त का ख्याल कर रहे हो तो इसी दृष्टि से कर रहे हो कि पैसा कब वापस आएगा, क्योंकि ये तो दोस्ती के नाम पे कलंक हो गया कि दोस्त की याद ही तभी आ रही है जब पैसा याद आ रहा है। तो आप ये नहीं मानोगे कि आप दोस्त से मिलने सिर्फ तकाजा करने गए हो, आप कहोगे भाई दोस्त को गले लगाना था इसलिए मिलने गए। अब आपने अपनी इच्छा को छद्म नाम दे दिया, झूठा नाम दे दिया। गले तो मिलोगे उससे, पर नीचे से हाथ करके जेब टटोलोगे। हमारे जिगरी दोस्त भी इतने ही जिगरी होते हैं। हमारे जिगरी दोस्त बस इतने ही जिगरी होते हैं। अंतर बस इतना है कि वो कितना उधार लेगा। अंतर इसमें नहीं है कि वो उधार लेकर के अगर चला जाए तो आप उसको माफ करोगे या नहीं। अंतर बस ये है कि वो कौन सी सीमा है जिसके बाद आपको उसका ख्याल बस पैसे को लेकर के आएगा। कोई आपका हल्का फुल्का दोस्त है, उससे आप 1,000 रुपए के लिए भी तकाजा कर लोगे। कोई आपका घनिष्ठ मित्र है तो उस पर 1,000 रुपए आप छोड़ दोगे, आप कहोगे ठीक है 1,000 ही तो लिए थे। पर जो आपका घनिष्ठ मित्र है उसने भी आपसे यदि 1 करोड़ ले लिए हो तो बात बराबर हो जाएगी। तो बात इसकी नहीं है कि किस से घनिष्ठता है और किस से नहीं है, बात बस इसकी है कि सीमा कहां पर खींच रहे हो। हम सीमित लोग हैं और हम सीमाएं खींचेंगे ही खींचेंगे। उन सीमाओं में कुछ वर्जनीय नहीं है, उनकी निंदा ना करें। निंदा करेंगे तो उन्हें कभी देख नहीं पाएंगे, उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे, अपने आप से ही धोखा किए जाएंगे। किताब ही खोजते रह जाएंगे, चाहिए होगा शरीर और कहेंगे कि हम तो किताब लेने आए हैं। जैसे कि दोस्त के यहाँ जाए खटखटाए और कहें अरे 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 बच्चा बीमार था तुम्हारा, हम तो हाल पूछने आए हैं। और गए किस लिए हैं, गए किस लिए हैं? आपसे भी किसी ने कभी उधार ले रखा होता है तो अक्सर आपने यही पाया होगा। मुश्किल होता है फोन करते ही कहना पैसा कब दे रहा है। पहले कहते और हालचाल कैसा है, स्वर्ग में देवी देवता कैसे हैं, अमेरिका में क्या चल रहा है, तुर्ती में तख्ता पलट हुआ कि नहीं हुआ। और जब दुनिया भर की सारी फिजूल बातें कर लेते हो तब मुद्दे की बात पर आते हो कि वो ज़रा वो थोड़ा हाँ या ना, फोन उठाएगा कि नहीं उठाएगा, ना उठाए तो झंझट, उठा ले तो भी झंझट, उठाने के बाद अब नाटक करो दुनिया भर का। हाँ बिल्कुल, आप किसी को एक ईमेल भी लिखते हो तो सीधे लिखते हो क्या क्या चाहिए, होप ऑल इज वेल, होप इट इज नॉट रेनिंग, होप देयर वाज नो अर्थक्वेक। हम सीधे सीधे स्वीकारते कहाँ हैं कि हमें क्या चाहिए। मैं कह रहा हूं जो कुछ नहीं स्वीकारोगे वही बहुत गहरा बोझ बन जाएगा, चुपचाप मान लो। सबकॉन्शियस माइंड एक बीमारी है, उसका जो पावर है वो वही पावर है जो बीमारी का होता है। ठीक वैसे जैसे कि बुखार में ये पावर होता है कि वो आपको बिल्कुल दहका दे, गर्म कर दे। इस पावर का कुछ इस्तेमाल करोगे, ये कहोगे कि अब देखो मैं
थर्मल पावर प्लांट बन गया हूं। क्या पावर है क्या मुझसे तार लगा दो और बल्ब जला लो, इतना गर्म हो गया। सबकॉन्शियस माइंड की जो भी ताकतें हैं वो ताकतें आपके काम की नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड अपने आप में ही एक व्याधि है। मैं फिर कह रहा हूं, वो सब कुछ जिसका आपने दमन करा है वही मन के तहखाने में जाकर के बैठ जाता है, वही तो है आपका अचेतन या अर्धचेतन। दमन क्यों किया? दमन इसलिए किया क्योंकि उसको नाम गंदा दे दिया गया, छी गंदी बात, तुम ऐसा सोचते हो तो सोचोगे तो आप वही जो आप सोच रहे हो, लेकिन उसे नाम दूसरा दे दोगे। अब आप सोचोगे तो वही जो आप सोच रहे हो, आप करोगे तो वही जो आपको करना है, पर नाम उसे आप सत्संग का दे दोगे। बात समझ में आ रही है? फिर अगर ऐसे हमने तो उसको बोल दिया कि मैं पैसे लेने आया हूँ, तो फिर तो मतलब डिस्कनेक्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि हम जैसे हैं, हमारी दोस्तियाँ हमारी यारियाँ ऐसी ही होंगी कि जिन पर ज़रा सच की रोशनी पड़ी नहीं कि वो विलुप्त हो जाएंगी। इससे बस यही समझ लो कि हम झूठ के जीव हैं, ज़रा सी सच्चाई बोली नहीं कि जितने रिश्ते नाते बना रखे हैं उनमें खटास आ जानी है। और ये जो तुमने यही कहा कि दोस्त के साथ दिक्कत हो जाएगी, खतरनाक बात यह है कि जो तुम्हारे आत्मीय से आत्मीय रिश्ते हैं वो भी चटक जाएंगे जहां तुमने सच बोला। माँ बाप, पति पत्नी, पांच पल नहीं बर्दाश्त होंगे सत्य के। इसको अपनी विवशता मत मान लेना, बस इस बात को जानते रहना। ये जानना ही अपने आप में बड़ा उपचार है, बस जानते रहो इस बात को कि जो रिश्ता है उसकी बुनियाद झूठ है। जानते रहो, कष्ट होगा पर जानते रहो, उस कष्ट में जीना ही उस कष्ट से मुक्ति दिलाएगा। चैतन्य अचेतन की ही नहीं है, जितना भी इंद्रियगत जो कुछ भी है वो कहीं भी आदमी को ज्ञान या मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाता। इसीलिए अष्टावक्र कहते हैं एक सेंटेंस में कि विषयान विषय विषवत त्यज, उन्हें विषयों को विष मानते हुए छोड़ दो। अगर आपको ज्ञान का वैराग्य का या मुक्ति का कोई भी रास्ता चाहिए तो पहला रास्ता उसका यह है कि विषयों द्वारा जो भी अनुभव होता है उसको विष मानते हुए छोड़ दो। ये जब छोड़ दोगे तभी फिर आगे बढ़ पाओगे। तो जितनी भी अनुभूतियाँ होती हैं, जितनी भी सेंसेज हैं, जितनी भी इंद्रियाँ हैं, उनसे जो भी हम अनुभूत कर रहे हैं उनके आधार पर हम काम करना चाहेंगे तो हम फिर आगे किसी भी तरफ नहीं बढ़ पाएंगे। अष्टावक्र जो कह रहे हैं वो बात ज़रा आगे की है। दो बातें आपने कही, पहली बात कि मुक्ति का रास्ता इंद्रियगत नहीं हो सकता, दूसरी बात जो भी कुछ इंद्रियगत है उसको विष्तुल्य जानते हुए त्याग दो। पहली बात तो ये कि मुक्ति का कोई रास्ता होता नहीं, सारे रास्ते अमुक्ति के और बंधन के ही होते हैं। ये बात कृपया आपने मन से निकाल दें कि कोई भी रास्ता किसी भी दिशा में, बाहर की 10 दिशाओं में या भीतर की 11 दिशा में, किसी भी दिशा में कोई रास्ता आपको सत्य या मुक्ति की ओर ले जा सकता है। आप जब भी आगे बढ़ोगे आप स्वयं से ही दूर कहीं को बढ़ोगे, मुक्ति की ओर नहीं बढ़ोगे, मात्र बंधन की ओर ही बढ़ा जा सकता है। मुक्ति है ठहर जाना, मुक्ति है जान लेना कि जहां हो वहीं मुक्त हो, कहीं को बढ़ना नहीं है, कोई मार्ग चाहिए नहीं। दूसरी बात जो है कि विषयों को विषतुल्य जान के त्याग दो, इसको समझिएगा, विषयों को त्यागा नहीं जा सकता। अष्टावक्र यदि किसी देहधारी से बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं कह सकते कि विषयों को विषतुल्य जान के त्याग दो। विषयों को त्यागने की बात उन्हें मात्र इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि हम विषयों से वो अपेक्षा रख रहे हैं जो विषय कभी दे नहीं सकता। ठीक कहानी के उस पात्र की तरह जो एक नॉवेल में चैन तलाश रहा था। विषय को त्याग कैसे दोगे? अष्टावक्र जब ये कह रहे हैं कि विषय को त्याग दो, ठीक उस वक्त भी सांस ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, हाँ या ना? और सांस विषय है कि नहीं, वायु पदार्थ है या नहीं? तो त्याग कैसे दिया विषय को? बोल रहे हैं यदि तो जिह्वा का उपयोग कर रहे हैं या नहीं, और जिह्वा पदार्थ है या नहीं? तो त्याग कैसे दिया विषय को? इंद्रियगत है वायु या नहीं है? इंद्रियगत है आकाश या नहीं है?
अष्टावक्र के वचन यदि जनक तक भी पहुंच रहे हैं तो इसी आकाश के माध्यम से पहुंच रहे हैं, मात्र इसे काट करके नहीं पहुंच रहे। ध्वनि की तरंगे वायु के अणुओं का उपयोग करती हैं आगे बढ़ने के लिए। हवा को हटा दीजिए, आवाज भी हट जाएगी। हवा ना हो तो आवाज एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच नहीं सकती, और अष्टावक्र बोल रहे हैं। और वायु, हवा निश्चित रूप से इंद्रियगत है कि नहीं है? त्वचा इंद्रिय है कि नहीं है? है या नहीं है? त्वचा पर वायु का अनुभव होता है या नहीं होता है? होता है ना। तो इंद्रियों को विषतुल्य मानकर त्यागने की जो बात है उसको उसके मार्मिक रूप में समझना पड़ेगा, मात्र शाब्दिक नहीं। विषयों को त्यागने का अर्थ है विषयों से जुड़ी जो अपेक्षा है उसको त्याग दो। विषय कहां से त्याग दोगे? विषय को त्यागने का मतलब यह हुआ कि ठीक इसी पल देह त्याग दो। जब तक देह है तब तक विषय रहेंगे। विषयों से जो उम्मीद जोड़ी है वो त्याग दो, और उम्मीद हमेशा उस चीज की होती है जो है नहीं। उदाहरण देता हूं, आप परेशान हो रहे हो, आप ऊब रहे हो, आप एक शॉपिंग मॉल चले जाते हो, वहां से आप अपने लिए शर्ट खरीद लाते हो। शर्ट क्या है? विषय। शर्ट नहीं त्यागनी है, अगर जरूरत है तो शर्ट आप बेशक खरीदें, पर इस उम्मीद के साथ ना खरीदें कि शर्ट से आपको चैन मिल जाएगा। आपके जीवन में सूनापन था, खालीपन था। आप एक जवान आदमी हो, आप जाकर के शादी करवाते हो, आप सोचते हो कि घर में यदि कोई साथ रहेगा, कोई स्त्री होगी, तो उससे मेरा खालीपन भर जाएगा। वो भरता नहीं। स्त्री विषय है या नहीं है? और स्त्री तो वो विषय है, कई बार हमारी प्रचलित आध्यात्मिकता में बड़ा ही निंदनीय माना गया है, घोर तिरस्कार किया गया है। स्त्री में कोई बुराई है? पुरुष में कोई बुराई है? बुराई ना स्त्री में है ना पुरुष में है, बुराई उस उम्मीद में है जो तुम स्त्री से लगा बैठते हो। तुम सोचते हो कोई देवी है, घर आएगी तो तुम पर अमृत वर्षा कर देगी। वो तो कहाँ से कर देगी, तुम्हारी तरह ही है। फिर जब वो आती है तुम्हें उससे वो मिलता नहीं जो तुम्हें चाहिए, तो तुम कहते हो धोखा हो गया। शादी से पहले गाते हो तुझमें रब दिखता है, रब वो है नहीं, रब वो है नहीं, तो फिर बाद में यही कहोगे कि अपेक्षाएं खालीपन के भाव से आती हैं। उम्मीद तब करते हो जब पहले लगता है कि है नहीं, जो है ही उसकी उम्मीद करोगे क्या? सर, वो कहा है कि विचार मुक्त जनक ने यही कहा कि बाद में विचार मुक्त जीवन, मतलब विचार मुक्त हमारे हम मैं आपको किसको भी देख रहे हैं तो हमारे अंदर विचार ये सुंदर है, ये अच्छा विचार। विचार मुक्त जीवन का अर्थ समझिएगा, हमारे किताबों ने और तमाम गुरुओं ने विचार मुक्ति को, निर्विचार को कुछ ऐसा रंग दे दिया है कि वो बस कल्पना बन के रह गया है, ऐसी कल्पना जो कभी सार्थक नहीं हो सकती। आपके हाथ में वो पेन है, पेन पकड़ रही है, आपके साथ है ना, आपके साथ है, पर क्या वो आपका मालिक हो गया? आपके पास है, आप जब तक उसका उपयोग करना चाहेंगी आप करेंगी, और जब आप उसका उपयोग नहीं करना चाहेंगी आप क्या करेंगी? ये हुई पेन से मुक्ति। पेन से मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि पेन उठा के फेंक दिया, या कि बैठ करके यत्न कर रहे हैं और विधियां लगा रहे हैं कि किस तरह से दुनिया के सारे पेन विलीन हो जाएं, पेन मुक्त संसार। पेन से मुक्ति का अर्थ ये है कि पेन हाथ में भी है तो हमारा मालिक नहीं हो गया। विचार मुक्ति का भी यही अर्थ है कि विचार तो रहे पर विचार मालिक न बन जाए। विचार मुक्ति का ये नहीं अर्थ होता है कि सोचेंगे ही नहीं, वो मूर्खता है न सोचना। समझ में आ रही है बात? आप कह तो रही हैं ऐसा तो होगा ही कि विचार आएंगे, पर ये बात जो इतनी सहज है वो बहुत बहुत ऐसे लोग हैं कि जिन्हें समझ में नहीं आती। वो सालों दशकों इसी प्रयास में लगे रहते हैं कि किसी तरीके से विचार को रोक दें। विचार को नहीं रोकना है, विचार की मालकियत को रोकना है। विचार समझ लीजिए दोस्त है आपका, और ज्यादा सख्ती से कहना चाहते हैं तो कह लीजिए कि सेवक है आपका, उसको मालिक नहीं बनने देना है। ये ना हो कि वो जब आ रहा है अपनी मर्जी से आ रहा है और फिर छा जा रहा है और फिर जाने का नाम नहीं ले रहा है।
पेन का, पेन की आवश्यकता है, पेन को उठाया, उपयोग करना उपयोग किया, और फिर छोड़ना है तो छोड़ दिया। यही रिश्ता है जो विचार से आपका होना चाहिए। ये है निर्विचारणा। निर्विचारणा का मतलब ये नहीं है कि बैठे हैं और सोच ही नहीं सकते। एक शरीर की तरह आप समय और स्थान, स्पेस टाइम में हो। या तो ये कह दो कि शरीर नहीं, आत्मा प्रश्न कर रही है, तो फिर आत्मा ही जवाब दे और जवाब अलग होगा। आत्मा आत्मा बात करेंगे आपस में ही, क्योंकि आत्माएं दो तो होती नहीं। पर यदि एक शरीर ही की तरह प्रश्न कर रहे हो तो बात को समझो। शरीर समय और स्थान में है, और समय और स्थान में रहने के लिए उसको विचार की आवश्यकता है। दिक्कत हमारे साथ ये होती है कि हम विचार से वो अपेक्षा करने लग जाते हैं जो विचार हमें दे सकता नहीं, तब दिक्कत होती है। इसीलिए शास्त्रों ने विचार मुक्ति की बात करी है। सर, जो इतने जन्मों से, पता नहीं जन्म है या नहीं, इतने वर्षों से तो जानता हूँ, इतने वर्षों से जो विचार को ही अपना मालिक समझने की जो अभ्यास कर लिया है, उससे कैसे निकला जाए, क्योंकि वो हैबिट बन गई है कि विचार के साथ मिल जाते हैं। विचार आपका मालिक नहीं बन सकता अगर आप हकीकत में जिए। हकीकत यह है कि आप विचार हैं नहीं। विचार को कोई अपना मालिक बनने नहीं देगा, क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है कि हम गुलाम रहें। फिर विचार मालिक बन कैसे जाता है? विचार मालिक वैसे ही बन जाता है जैसे कि आप सर पे टोपी लगाएं और टोपी के ऊपर छिपकली बैठी हो, और छिपकली अब आपके सर पे चढ़ी हुई है। जानते बूझते आप कभी छिपकली को सर पे रखोगे नहीं। हाँ, आपको बहुत प्रेम हो उससे तो अलग बात है। आप टोपी रखते हो सर पे, टोपी के साथ साथ छिपकली चली जाती है। विचार मालिक तब बनता है जब वो विचार नहीं रह जाता। छिपकली मालिक तब बनती है जब वो छिपकली नहीं टोपी बन जाती है। विचार मालिक तब बनता है जब वो विचार नहीं रह जाता, जब वो आप बन जाता है। जब आप कहने लग जाते हो ये मेरा विचार है, ये मैं सोच रहा हूं, आप ये भूल ही जाते हो कि आप नहीं सोच रहे हो, आपको कल जो विज्ञापन आ रहा था टीवी ने उसने सोचवाया है। बात समझ रहे हैं? आपको अगर पता ही चल जाए कि छिपकली है तो आप उसे हटा दोगे। आपको यदि पता ही चल जाए कि ये विचार बाहरी है तो आप उसे अपने ऊपर नहीं छाने दोगे। विचार मालिक इसलिए बनता है क्योंकि हम भूल ही जाते हैं कि ये आया कहां से। हमें लगने लगता है हम ही तो ऐसा सोच रहे हैं। हरी बात समझ में? तुम देखो ना, किसी भी मुद्दे पर जो जिस तरीके के संस्कारों का है वैसा ही उसका मत बन जाता है। कश्मीर में उपद्रव हो रहा है, मात्र कश्मीरियों को ही इतना रोष क्यों आ रहा है? क्योंकि उन सब की एक साझी परवरिश है, एक साझा माहौल है, एक साझा भूगोल है, एक साझा धर्म है। वो सब ना होता तो उन सबको ये साझा क्रोध भी नहीं आता जो अभी आ रहा है। ये साझा क्रोध उनका अपना नहीं है, ये उनको उनके माहौल ने, शिक्षा ने, भूगोल ने, समुदाय ने और उनके धर्म ने दिया। ठीक उसी तरीके से जो कश्मीरी नहीं है उन्हें कोई रोष नहीं आ रहा। उन्हें क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनकी परिस्थितियां अलग है, उनकी परवरिश अलग है, उनका माहौल अलग है, उनका धर्म अलग है, उन्हें नहीं आ रहा। तो जिनको गुस्सा आ रहा है वो गुस्सा उनका अपना नहीं, और जिन्हें गुस्सा नहीं आ रहा उनका गुस्सा ना आना भी उनका अपना नहीं। ये बात समझ में आ रही है? अगर हम वाकई निजता में जी रहे होते तो ऐसा कैसे होता कि कोई मुद्दा सिर्फ एक खास समुदाय या खास स्थान का मुद्दा होता? फिर तो वो सार्वजनिक होना चाहिए था ना, फिर तो वो पूरी तरीके से भूगोलीय होना चाहिए था। बात आ रही है समझ में? तो सर, इस नजरिए से देखा जाए तो मुझे तो लग रहा है कुछ भी मेरा नहीं। नहीं, इतनी जल्दी इस निष्कर्ष पे मत आओ, हो सकता है निष्कर्ष भी तुम्हारा ना हो। क्योंकि ये निष्कर्ष भी आम तौर पर तो उठता नहीं। ये निष्कर्ष भी ध्यान दो कि तब उठ रहा है जब तुम्हारे सामने कोई और बैठ करके ये बात तुमसे कह रहा है। तो सजग रहो, हो सकता है ये बात भी तुम्हारी आंतरिक ना हो, कहीं और से आ रही हो।